देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। वो तो पैरों को भी हाथ लगवाता था, घुटवाता था, बहुत कुछ काम करता था गलत। आपको करनी पड़ेगी, जितना लेट हो रहे हैं आप बैक फुट के ऊपर जा रहे हैं, आपको जनता आने वाले चुनाव में सबक सिखाएगी। तो WFI के अध्यक्ष ब्रजभूषण की गिरफ्तारी के लिए जो प्रदर्शन चल रहा है इस वक्त जंतर मंतर पर, उसमें तेजी देखी जा रही है और लोग जुड़ते जा रहे हैं। मेरे साथ कुछ एक संगठन के लोग हैं। सर कहाँ से आए हैं आप? हम भारत के लोग, भारत मेरा संगठन है, मेरा संविधान मेरा सबसे बड़ा संगठन है। अगर वो ना होता तो आज शायद आपकी भी जुबान दबा दी जाती पत्रकारों की और जनता की भी। कौन दबा रहा जुबान? जुबान जो संविधान को तोड़ रहे हैं, जो राज कर रहे हैं, मोदी जी, शाह जी, RSS, वो संविधान को तोड़ रही है। इसीलिए तो अभी पीछे किसानों का काला कानून क्यों इन्हें वापस लेना पड़ा। आप यहाँ पे अभी आए? इन्होंने संविधान तोड़ा था। अभी किस लिए आए आप यहाँ पे? आज हम अपनी बेटी के लिए आए हैं, जो उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ, यौन शोषण हुआ, अब उसके ऊपर FIR हो गई है, तो आप अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? पहले भी बेटियों के साथ अपराध होता रहा है, इससे पहले कहाँ थे आप लोग? इससे पहले कभी आप आवाज़? हम सड़क पे होते हैं, मैं फरीदाबाद से आया हूँ, उपकार सिंह मेरा नाम है। हम जब भी किसी बेटी के साथ कुछ होता है, इसी तरीके हम हमेशा उसका साथ देते हैं। क्या चाहते हैं? हाँ जी, हम यही चाहते हैं, जल्दी से जल्दी उसको अरेस्ट करके उसके ऊपर उचित कार्रवाई करें, वरना जनता सड़क पे आ चुकी है। आपको करनी पड़ेगी, जितना लेट हो रहे हैं आप बैक फुट के ऊपर जा रहे हैं, आपको जनता आने वाले चुनाव में सबक सिखाएगी। क्या लिखा है आपके? बेटी तुम आगे बढ़ो, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। ब्रजभूषण ने आरोप ये भी लगाए हैं कि अगर उन पर यौन शोषण के आरोप लगते आए हैं, अगर वो ठीक नहीं है तो फोटो पिक्स वगैरह क्यों खिंचवाते थे खिलाड़ी? हाँ जी, फोटो क्यों खिंचवाते थे खिलाड़ी जो है उनके साथ, अगर वो यौन शोषण करते हैं तो ऐसा क्यों किया? वो फोटो तो, जब एक बात बताओ, जो उनका अध्यक्ष है अगर वो कहेगा फोटो खिंचवाने के लिए तो वो कैसे मना कर सकती है? लेकिन उनके ऊपर ये तो सारी बातें सामने आ चुकी हैं। वो तो पैरों को भी हाथ लगवाता था, घुटवाता था, बहुत कुछ काम करता था गलत। ये सारी चीजें तो अब सामने आ चुकी हैं, कौन बचा पाएगा? प्रेस को भी मजबूर होके सच सामने लाना पड़ेगा। जो मोदी गोदी मीडिया की जो प्रेस है ना, वो भी मजबूर हो जाएगी, क्योंकि देश का सारा प्रेस एक तरफ आ जाएगा। आने वाले टाइम में इनको सबक सिखाएगी जनता, सबक सिखाएगी। इसीलिए हमने इस पोस्टर के ऊपर आज गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? आपको क्या लगता है ब्रजभूषण की गिरफ्तारी हुई क्यों नहीं अभी तक? इतना समय चाहते हैं, करना नहीं चाहते हैं, कौन करेगा? अनुराग ठाकुर खेल मंत्री, जो खुद ही आज हेट स्पीच के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है, और उसने खुद भी हेट स्पीच दी थी जब शाइन बाग था, तो उसका क्या नारा था? देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। वो देश के गद्दार थे जब सड़क के ऊपर बैठे थे, लाखों करोड़ों रुपए लोगों की जो आवाज थी उसमें हम भी शामिल थे, हमारे जैसे लोग भी शामिल थे। किसी को आतंकवादी कह दिया जाता है जब वो सड़क के ऊपर आता है, किसी को कोई और नाम दे दिया जाता है। राजनीतिकरण हो रहा है यहाँ पे, राजनीतिक पार्टी आगे, आप भी किसी राजनीतिक दल से जुड़े हो? मैंने फिर बता दिया, हम भारत के लोग, मैं संविधानिक हूँ, संविधानिक पैदावार है मेरी। बाबा भीमराव अंबेडकर ने इस देश को संविधान दिया, उस संविधान को तोड़ने के जो जतन किया जा रहा है, ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए हमें आगे आना पड़ रहा है। बेटी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बेटी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो जंतर मंतर पर ब्रजभूषण की गिरफ्तारी को लेकर जो आंदोलन है वो लगातार तेज होता जा रहा है। बहुत से सामाजिक संगठन यहाँ पर मौजूद हैं, राजनीतिक पार्टियों के लोग यहाँ मौजूद हैं। सभी की मांग है कि जल्द से जल्द ब्रजभूषण की गिरफ्तारी हो, लेकिन देखना ये होगा कि सरकार इस पर क्या टेक लेती है। आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, हमें कमेंट करके बताइए। किस तरह कंटेंट देखना चाहते हैं हमारे चैनल में? फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए सौगन टीवी के साथ। कैमरामैन अनिकेत के साथ अंकित वर्मा, सौगन टीवी दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।